हेलो मैं टेस्टिंग हेलो 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 यूट्यूब दिस इज शुभम अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल साइबर बाबा। कैसे मैं यूट्यूब के लिए अपने स्लाइड्स और वीडियो को एडिट करता हूँ, बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ने मुझसे क्वेश्चन किया है किस सॉफ्टवेयर को मैं यूज करता हूँ, पहले वॉइस एडिट करता हूँ या फिर इमेजेस, कैसे लोअर थर्ड को एड करता हूँ, कैसे मैं अपने वीडियो से नॉइस को रिमूव करता हूँ, इंट्रो आउट्रो इफेक्ट्स सब कुछ मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जानने के लिए लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें। स्लाइड शो वीडियो को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करता हूँ, जिसके लिए मैं इस बोया के माइक्रोफोन को यूज़ करता हूँ। आप वॉइस का डिफरेंस वीडियो में सुन सकते हैं। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि आप इस माइक्रोफोन को ज़रूर परचेज करें। और अगर आप फेस कैम वीडियो क्रिएट करते हैं तो आप इस माइक को DSLR, एंड्रॉयड डिवाइसेस, iOS डिवाइसेस के साथ आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको इस माइक की 20 फिट लेंथ मिलती है। इसके बाद बात आती है एडिटिंग की। सो एडिटिंग के लिए मैं दो सॉफ्टवेयर को यूज़ करता हूँ। फर्स्ट वन इज़ कैमटासिया स्टूडियो एंड सेकेंड वंडरशेयर फिल्मोरा। और एडिटिंग के मैं सारे टास्क कैमटासिया स्टूडियो की मदद से कंप्लीट करता हूँ। मेरे मैक्सिमम व्यूअर्स भी इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत ही आसान और ईजी टू यूज़ सॉफ्टवेयर है। अगर बॉटम में देखा जाए तो सबसे पहले आपको एक सिलेक्टर मिलता है, जिसकी मदद से आप अपने वीडियो का पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ टूल्स मिलते हैं, जैसे कि अंडो, रीडो, कट, स्प्लिट, कॉपी, पेस्ट। अब मैक्सिमम व्यूअर्स का मुझसे एक क्वेश्चन था कि मैं अपनी वॉइस को इमेजेस के साथ सेट करता हूँ या फिर वॉइस सेट होने के बाद इमेजेस को। सो सबसे पहले मैं अपनी वॉइस को एडिट करता हूँ। ऑडियो फाइल्स को इंपोर्ट करने के लिए सिंपली आपको इंपोर्ट मीडिया पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपनी ऑडियो फाइल्स को इंपोर्ट करना है। सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप ट्रैक पर आने के बाद आप अपनी वॉइस को एडजस्ट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार। इसके बाद मैं सेकेंड ट्रैक पर एक वन कलर टाइटल थीम को ऐड करता हूँ। सिंपली आप लाइब्रेरी पर जाएं, इसे स्क्रॉल करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइटल क्लिप्स। यहाँ से आप किसी भी टाइटल क्लिप्स को ऐड कर सकते हैं ताकि जब आप वीडियो में इफेक्ट्स को ऐड करें तो बैकग्राउंड क्लियर हो। अब इसके बाद आपको गूगल से अपने वीडियो के अकॉर्डिंग कॉपीराइट फ्री इमेजेस को निकालना है। इस टॉपिक पर मैं पहले भी वीडियोस क्रिएट कर चुका हूँ और लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि कैसे आप गूगल से कॉपीराइट फ्री इमेजेस को निकाल सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने कुछ इमेजेस को डाउनलोड किया हुआ है, सो मैं इसे इंपोर्ट करता हूँ सॉफ्टवेयर में। सिंपली आपको इमेजेस को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपने थर्ड ट्रैक पर। सेम इसी तरह से आपको मल्टीपल इमेजेस को ऐड करना है अपने स्लाइड्स और वीडियो को क्रिएट करने के लिए। इसके बाद मैं अपनी वीडियोस में कुछ ट्रांजिशन को ऐड करता हूँ। सिंपली आप ट्रांजिशन पर क्लिक करें और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह के इफेक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि वर्न, सर्कल, क्यू, फेड। और मैं अपनी मैक्सिमम वीडियोस में इस ग्लो इफेक्ट को यूज़ करता हूँ। सिंपली आपको इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो यह कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको वीडियो में। इसके बाद मैं अपनी स्लाइड्स और वीडियो में बॉटम स्लाइड टेक्स्ट को ऐड करता हूँ, जिसके लिए सिंपली आपको क्लाउड्स पर क्लिक करना है और यहां से आपको हाइलाइटर को सिलेक्ट करना है। अब आप इसे अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। फिल पर क्लिक कर आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपको स्लाइड टेक्स्ट को ऐड करना है। सो स्लाइड टेक्स्ट को ऐड करने के लिए सिंपली आपको टेक्स्ट फील्ड को लेना है और टेक्स्ट बॉक्स में आपको अपना टेक्स्ट टाइप करना है। यहाँ से आप इसके साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। अब आपको इस टेक्स्ट को नेविगेशन कीज का यूज कर राइट साइड ले जाना है। और सिंपली मोर बटन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको विजुअल प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करना है, ऐड एनिमेशन, देन आपको टेक्स्ट फील्ड को सिलेक्ट करना है और इसे नेविगेट करते हुए लेफ्ट साइड पर लेकर आना है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं। सो अब हम अपने वीडियो को प्ले करते हैं।
अब इसके बाद मैं अपनी वीडियोस में पर्टिकुलर एरिया को जूम करने के लिए पेन एंड जूम टूल को यूज़ करता हूँ। सिंपली आपको पेन एंड जूम पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको हाइट और विड्थ को पर्टिकुलर एरिया के ऊपर सेलेक्ट करना है। यहाँ से आप इसकी टाइमिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। सब हम अपने वीडियो को प्ले करते हैं। इन सभी टास्क को क्लियर करने के बाद मैं अपनी वीडियो को प्रोड्यूस करता हूँ और नेक्स्ट टास्क को कंप्लीट करने के लिए मैं वंडरशेयर फिल्मोरा को यूज़ करता हूँ, जिसमें सबसे पहले मैं कैमटासिया से प्रोड्यूस वीडियो को इस सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करता हूँ। सो इंपोर्ट करने के लिए सिंपली आपको इंपोर्ट मीडिया फाइल्स पर क्लिक करना है। सिंपली आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करें ट्रैक पर। इसके बाद मैं फिल्मोरा के नॉइस रिडक्शन टूल को यूज करता हूँ, जिसके लिए सिंपली आपको वीडियो फाइल्स पर राइट क्लिक करना है और यहां से आपको ऑडियो डिटेक्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद यहां पर आपको रिमूव बैकग्राउंड नॉइस पर क्लिक करना है, देन ओके। इसके बाद मैं अपनी स्लाइड शो वीडियो में लोअर थर्ड को ऐड करता हूं, जिसके लिए सिंपली आप टेक्स्ट एंड क्रेडिट पर क्लिक करें। यहां से आपको लोअर थर्ड पर क्लिक करना है। यहां पर आपको मल्टीपल लोअर थर्ड्स मिलते हैं, जिसे आप वन क्लिक कर अपनी वीडियो में ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस लोअर थर्ड को ऐड कर रहा हूँ अपनी वीडियो में। सिंपली आप इस प्लस साइन पर क्लिक करें और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोअर थर्ड ऐड हो चुका है। अब लोअर थर्ड में टेक्स्ट को ऐड करने के लिए सिंपली आप इस पर डबल क्लिक करें और यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। अब हम अपनी वीडियो को प्ले करते हैं। इन सभी टास्क को कंप्लीट करने के बाद मैं अपनी वीडियो को प्रोड्यूस करता हूँ। अब बात आती है इंट्रो और आउट्रो। बहुत ही जल्द मैं अपने चैनल पर इंट्रो और आउट्रो का वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप एक प्रोफेशनल इंट्रो को क्रिएट कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।